हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित सक्सेना आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं एनआईएस विजन पॉइंट। अभी तक हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, पढ़ा लेक्चर वन में परसेंटेज चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा मॉड्यूल टू का है, कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर है और हमने परसेंटेज के बारे में जाना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में, और हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से एडवांस लेवल पे, थोड़े से क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। और ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 से। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, और क्लास 10th की बात करते हैं हम, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनआईएस। तो हमारा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को क्वांटिटी और नंबर में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, हमने परसेंटेज कल निकालना सीखा था, प्रीवियस जो हमारा मतलब वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हमने परसेंटेज के बारे में सीखा। अब हमें करना क्या है, अगर हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, सपोज परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सपोज एक्स परसेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स परसेंट हमारा इंक्रीज हो रहा हो, किसमें इंक्रीज हो रहा होगा, 100 में हो रहा होगा टोटल। तो क्या बनेगा, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर हम बोले कि 5% वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 5% वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो यहां पे मतलब क्या है, 5% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 100, तो विच इज इक्वल टू 105, क्लियर। अगर हम बोले डिक्रीज की बात करें, एक्स परसेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, एक्स परसेंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो यहां पे जो 100 के साथ एक्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपॉन 100 इंटू, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमको कुछ इसी तरह पे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसको हमको सॉल्व करना है, और बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, कैलकुलेटिव है, और इस पर हमको थोड़ा सा मेहनत करना है कि अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू का। अब यहाँ पे 1250 दिया है, 1250, और यहाँ पे 16% है, तो 16% 1000 का क्या होगा बताइए। अब यहाँ पे 16% है, अब 16% को क्या करें, हम 16% को लिख सकते हैं 16/100 इंटू 1250, क्लियर। 16% दिया है, परसेंटेज का साइन लगेगा, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 100, यहां से देखिए 00 कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद 10 इज डिविजिबल बाय 5 टू टाइम्स, एंड 125 डिविजिबल बाय 5 25 टाइम्स, एंड 16 डिवाइड बाय 2 8 × 25 इज इक्वल्स टू 200, तो 16% कितना आएगा, 16% कितना आएगा, 1250 का 200, क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह आप ये निकाल सकते हो 47, अब 47% है, तो परसेंट को किसमें चेंज किया, फ्रैक्शन में, इंटू 100 इंटू 1200, एंड 00 कैंसिल, एंड 47 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 × 7 इज इक्वल्स टू 84, 8 इज कैरी, एंड 4 × 12 48 + 8 56, आंसर इज 564। तो इस तरह हम परसेंटेज काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन वैल्यू का। यहां पे हमको गिवन वैल्यू थी 1250 और यहां पे 1200, और इसमें हमने 16% को फाइंड किया और यहां पे हमने 47% फाइंड किया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं अगर कोई भी हमको गिवन वैल्यूज हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब यहां पे वर्ड प्रॉब्लम दिया, फैमिली स्पेंड्स 35% ऑफ इट्स मंथली बजट ऑफ 7500 ऑन फूड, एंड हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड। तो मैं कितना बजट फूड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 35% किस पे कर रहे हैं इन्वेस्ट, फूड पे, इट्स मंथली बजट ऑफ रुपीज 7500 ऑन फूड, तो हाउ मच डज मनी स्पेंड ऑन द फूड। तो 35% बोला है फूड पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो फूड का जो हमको इन्वेस्टमेंट है कितना है, देखिए टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, इनकम कितनी है, अब यहां पे हम टोटल इनकम लिखते हैं 7500, ठीक है, 7500 टोटल अमाउंट।
परसेंट है उसके पास। अब कितना इसने स्पेंड किया, परसेंटेज स्पेंड्स ऑन फूड 35। तो कितना परसेंट उसने फूड पे स्पेंड कर दिया, कितना अमाउंट। अब करोगे क्या, यहां पे 35 दिया है तो 35 परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100। अब टोटल अमाउंट कितना है, 75 इंटू 00 कैंसिल एंड 75 इंटू 35। सो 35 इंटू 75, अब क्या करें, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 35 इंटू 75, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी एंड 5 इंटू 15 17, 35 3 कैरी 24, सो विच इज इक्वल टू 512162। तो कितना आंसर आ गया, 2625 रुपीज इसने किस पे स्पेंड किया, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड इज 2625 रुपीज। तो बच्चों ये समझ में आया कैसे हमने किया, कैसे हम ये हम घर का भी कर सकते हैं ये फॉर्मूला, मतलब घर पे भी जो हमारे खर्चेज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब हमारी टोटल इनकम, पापा की इनकम इतनी है, अब उसमें इतना अमाउंट हमारा इलेक्ट्रिक बिल का आ गया, तो कितने परसेंट इलेक्ट्रिक बिल का आया, कितने परसेंट हमने इंटरटेनमेंट पे खर्च किया। तो इस तरह घर का भी आप बजट परसेंटेज में काउंट कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इन अ गार्डन देयर आर 500 प्लांट्स ऑफ विच 35% आर ट्री एंड 20% आर शर्ब्स एंड 25% आर हर्ब्स एंड रेस्ट ऑफ क्रीपर्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट्स। हमें क्या बताना है, ईच टाइप ऑफ प्लांट्स। देखिए पहली बात ट्रीज की बात करते हैं, ये हो गई ट्री, नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज, सो नंबर ऑफ ट्रीज इट इज 35% एंड 35 डिवाइड बाई 100 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज 500, सो मल्टीप्लाई बाई 5, 00 कैंसिल एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 35 इज इक्वल्स टू 175, सो 170 हमारे क्या है, 175 हमारे ट्रीज है, ठीक है। अब इसी तरह हम सर्ब्स को भी निकाल सकते हैं, तो यहां पे कितने परसेंट है, 20, तो 20 अगेन डिवाइड बाय 100 एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 500 एंड अगेन 00 कैंसिल एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 100 सर्ब्स, ठीक है। अब हम हर्ब्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ हर्ब्स, तो इसमें क्या करेंगे, कितने परसेंट है, 25 बाई 100 इंटू 500 अगेन 0000 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 125। तो ट्रीज कितने हमारे पास, 175 ट्रीज हो गए, सर्ब्स हमारे पास 100 हो गए, हर्ब्स हो गए 125। तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचा क्रीपर्स, तो नंबर ऑफ क्रीपर्स, तो यहां पे टोटल कितने प्लांट्स थे हमारे पास, 500, सो माइनस 175, 100 एंड 125, हमने टोटल वैल्यू निकाला और 500 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बना हमारा, 500 एंड 175 प्लस 125 इज इक्वल टू 300, 100 प्लस 300 प्लस 100 400, तो 100 हमारे पास हो गए क्रीपर्स, क्लियर। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखिए यहां पे डिफरेंट टाइप्स के पार्ट थे, इसको पार्ट वाइज हमने परसेंटेज काउंट किया और फिर जो टोटल हमारे पास वैल्यूज आ गई उसको हमने जो पूरी टोटल अमाउंट था, टोटल प्लांट्स थे उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट 60 इज रिड्यूस टू द 45, अब 60 रिड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है 45, मतलब हमने 60 को रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया कि वो 45 हो गया, तो बता रहे व्हाट परसेंट इट इज रिडक्शन, तो कितने परसेंट वो रिडक्शन हुआ, तो पहले हम देखें कि कितना रिडक्शन हुआ इसमें, तो रिडक्शन कितना हुआ, ये रिड्यूस कितना हुआ, 60 था और 45 पहुंच गया, तो कितना रिड्यूस हुआ, 15 रिड्यूस हुआ होगा, है ना, और 15 किसमें रिड्यूस हुआ होगा,
60 में रिड्यूस हुआ होगा, 15 जो रिड्यूस हुआ होगा वो 16 में रिड्यूस हुआ, तो हाउ मच परसेंट रिड्यूस, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, तो कितना रिड्यूस हुआ, 15 रिड्यूस हुआ, किस में रिड्यूस हुआ, 60 में रिड्यूस हुआ, इनटू 100, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 0 0 कैंसिल, इट इज 2 5, बोथ आर डिविजिबल बाय 3 एंड 2 डिवाइड बाय 10 5, तो ये हमारा 25% रिड्यूस, रिड्यूस मींस कम। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, देखिए इसमें कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, ये याद रखना है, जिसमें हम वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसी का ही डिवाइड होगा, ये नहीं कि आप 45 कर दो तो 45 कर दो कि आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, 80 से लेके 125 तक गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंट पे बताना है हमको। अब देखिए यहां पे पहले कितना इंक्रीज हुआ हम निकाल ले रहे हैं, अब इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई, 125 माइनस 80 तो कितना आ गया, 45, तो कितना इंक्रीज हुआ, 45 इंक्रीज हुआ। अच्छा ये इंक्रीज किस में हुआ है, 125 में हुआ है, 80 में हुआ है, जब 80 में हम 145 इंक्रीज करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 125। अब आप करोगे क्या, यहां पे कुछ नहीं, बहुत इजी है, हमको परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, कितना इंक्रीज हुआ, 45 इंक्रीज हुआ, किस में इंक्रीज हुआ, 80 में इंक्रीज हुआ, इनटू 100, 0 0 कैंसिल, सो 8 एंड 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर है, अब 5 × 5 = 25, 2 कैरी गया एंड 5 × 4 = 20, इट इज 22/4, सो इसको हम लिख सकते हैं हम लोग 5 2 कैरी 6.25%, इसका मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं 5 6 1/4%। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अब हमको ध्यान रखना है कि कितना इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, यहां पे दोनों फंक्शन यूज हो रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रमन हैज टू स्कोर 40% मार्क्स फॉर पासिंग द एग्जाम, रमन को कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए एग्जाम में। अब इस 178 मार्क्स ही गेट 178 मार्क्स और 22 मार्क्स से ये फेल हो गए, भाई साहब पढ़ाई की नहीं होगी तो ये 22 मार्क्स से फेल हो गए। अब हमको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जाम में, ये एग्जाम हुआ जिसमें 40% पास पासिंग मार्क्स चाहिए और रमन का आया 178 एंड फेल बाई 22, कोई रमन तो है नहीं ना यहाँ पे। ठीक है चलिए सब पढ़ाई करिए मन लगा के। अब यहाँ पे हम रमन की बात कर रहे हैं, तो रमन को कितने मार्क्स मिले, रमन को मिले 178 मार्क्स। अगर रमन को 22 मार्क्स और मिल जाते तो रमन क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, पासिंग मार्क्स कितने हो गए 178, और रमन को 22 और मिल जाता तो रमन हमारा पास हो जाता। अब रमन को 22 मार्क्स चाहिए, अब इतने पासिंग मार्क्स हो गए और ये पासिंग मार्क्स इसके बराबर है 40%, क्योंकि 40% पासिंग मार्क्स है और 22 इसको और मिल जाता तो 200 हो जाता, तो 40% इज इक्वल्स टू 200। सो टोटल मार्क्स को हमने क्या एज्यूम किया, लेट यहां पे ऊपर लिख दे रहे, यहां नीचे लिख दे रहे, अच्छा लेट टोटल मार्क्स बी एक्स, टोटल मार्क्स कितना हमने एज्यूम किया एक्स। अब इसका 40% टोटल मार्क्स का 40% कितना आ रहा है 200, मतलब 40% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 200, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे इजी को कुछ है ही नहीं, ये सब हमने 6 में पढ़ चुके हैं। अब यहां पे 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 200, अब आगे क्या करा जाए, आगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पहले हम 0 0 काट देते हैं, अब 10 कहां गया, 200 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे कलर चेंज कर दें और कलर कौन सा लें, कौन सा लें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, हाँ देखिए अब यहां पे क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10 अपॉन
4. सो 200 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 50. सो x इज इक्वल्स टू 50. तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इसके? 500. इस एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 500 और पासिंग मार्क्स कितने हैं 200 और 40% पासिंग मार्क्स था, हमने 40% से इसका इक्वल करा दिया 200 से, तो टोटल मार्क्स पता चल गए. तो इस तरह अपने मतलब एग्जाम के भी मार्क्स काउंट कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इट टेक्स मी 45 मिनट्स टू गो टू द स्कूल एंड आई स्पेंड 80% ऑफ द टाइम ट्रेवलिंग बाई बस. सो हाउ लॉन्ग डज द बस जर्नी लास्ट. ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. 45% किसका? 80 का है, तो 80% की वैल्यू निकाल दो. 45 मिनट्स, यहां पे 45 मिनट्स लगता है टू गो टू द स्कूल. आई स्पेंड 80% ऑफ द टाइम ट्रेवलिंग बाई बस, और इसमें 80% टाइम किसमें ट्रेवल कर रहा है? बस में. तो बस में वो कितना टाइम ट्रेवल करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर वो 45 मिनट उसको लगता है स्कूल जाने में, और उसमें 45 मिनट्स में 80% टाइम उसका बस में जाता है, तो बस में कितना टाइम जाएगा? तो टाइम टेकन बस, अब बस जर्नी में उसका कितना टाइम जाएगा, चलिए देखते हैं. कितने परसेंट है? 80 डिवाइड बाई 100, कितने परसेंट लगता है? 80%. 80 को हमने 100 में कर दिया, टोटल टाइम इसे कितना लगता है? 45. 0 कट गया. क्या 10 और 45 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 9/2 5 की टेबल से. अब यहां हमारा कट गया 4, तो बस में उसने कितना टाइम दिया? 36 मिनट. एक सेकेंड का क्वेश्चन था, मगर दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. तो इसको आप बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है. मतलब इसको 36 मिनट बस में ट्रेवल करने में लगता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन पे जाके, हमारे चैनल पे जाके आप कमेंट कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता, आप हमसे पूछिए. पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिए, नहीं भी आए तब भी डिसलाइक करिए. ठीक है, और पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए. हम आपके घर आ गए हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. विजन पॉइंट आपके साथ है, कदम कदम पे. बस आप मेहनत करिए और हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे आपके साथ. चलिए क्वेश्चन क्या है. इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट हैं. एक कैंडिडेट हमारे ए है, एक कैंडिडेट हमारे बी है. तो टू कैंडिडेट्स एंड 25% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट. मतलब इन्होंने 25% लोगों ने वोट ही नहीं किया. 25% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट. ए कैंडिडेट 40% ऑफ द वोट्स. देखिए ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, वो क्वेश्चन तो बहुत इजी था. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना है इजी, बस हमको समझने की देरी है. वोटर्स पोल्ड एंड वॉज डिफीटेड बाई 900. तो मतलब 40% वोट किसको मिला? ए कैंडिडेट को. और ये हार गए कितने परसेंट, कितने वोट से? 900 वोट से. तो इनको भी 40% मिला और इनको भी 40% मिला. सॉरी इसको 40. हाँ, तो टोटल वोट पहले मान लेते हैं, टोटल वोट पहले इसको और इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को. सपोज करिए टोटल वोट हमारे पास थे x. टोटल जो वोटर्स थे, वोटर्स भी x, और इसमें से 25% वोटर वोट ही नहीं दिए. तो 25% वोटर डज नॉट वोट. 25% वोटर्स डिड नॉट वोट. तो कितने परसेंट ने वोट दिया? डिड नॉट वोट. ठीक है, तो कितने परसेंट ने वोट दिया? अब देखिए यहां पे 25% ने दिया ही नहीं है, तो कितना बचा? 700 माइनस 25 अपॉन 100 टोटल बी एक्स. तो कितना हुआ? 75/100x. तो हमने माइनस क्यों किया यहां पे? क्योंकि 25% लोगों ने वोट ही नहीं दिया. तो 100 माइनस 25, जैसे मैंने बताया था, जब हम परसेंटेज को डिक्रीज करेंगे तो माइनस होगा, और 100 में से 25 गया 75. अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 की टेबल से, 25 की टेबल से भी कर सकते हो. तो इतने लोगों ने वोट दिया. अब इतने लोगों ने वोट दे दिया, अब ए को कितना परसेंट वोट मिला? 40% मिला. कितने वोट से हार गया? 900 वोट से हार गया. तो हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए.
तो ये 75% वोट हुआ। देखिए यहां पे अब हम निकाल रहे हैं टोटल वोट्स की बात करते हैं, टोटल वोट्स। अब ए को 40 मिला और बी को कितना मिला होगा? अगर ए को 40 मिला तो बी को कितना मिला होगा? 60 मिला होगा, जाहिर सी बात है। अगर ए को 40% मिला है और बी को कितना मिला होगा? 60। और दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 60% ऑफ 100। और टोटल वोट कितने थे? 3/4x माइनस, इसके कम होंगे, 40% अपॉन 100 इंटू 3/4x इज इक्वल्स टू 900। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा आपको। देखिए हमने क्या किया, यहां पे ए को हमको 40% मिला है और बी को हमें कितना मिला है? 60। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 900 का। तो यहां पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 900 का। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे 100 3/4 इंटू एक्स, इसको इरेज कर दूं मैं, और 60 - 40 कितना हुआ? 20/100 इज इक्वल्स टू 900। इसको थोड़ा और इरेज कर दे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इतने में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ, अब करना क्या है आपको, लास्ट स्टेप, 60% अपॉन 100 इंटू 3/4x, ये हमारा 75 था, एंड 40/100 इंटू 3/4x इज इक्वल टू 900। तो कॉमन क्या आ गया? 3/4x, और 60 में से 40 गया, 20/100 इज इक्वल्स टू 900। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, सबको राइट साइड ले गए, 900 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 3, और 3 से कट गया, कितना आया? 300। सो 300 इंटू 10 3000, 3000 इंटू 2, टोटल वोट कितने थे? 6000। समझ में आया? ये था आंसर। अब इसमें बताइए आपको क्या कर, देखिए हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने 25% को हटा दिया और जो रिमेनिंग वैल्यूज हुई उस पर हमने 60% बी को मिला। अगर ए को 40 मिल रहा है तो बी को 60 मिलेगा, मतलब इसको ज्यादा मिलेगा और इसको कम मिलेगा। और दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों का जब डिफरेंस निकाल रहे हैं 900 का आ रहा है। यहां से हमने फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा दिया और इजिली इसको कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया बच्चों? इसको फिर से करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जाके बोलिए, हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ टफ होते जा रहे हैं। 25% अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया, 25% शुगर का प्राइस बढ़ गया तो अब कितना कम आ रहा है? 1.5 केजी कम आ रहा है, कितने में? 240 रुपए में। 240 रुपीज की हम शुगर पहले लेते थे, तो 25 रुपीज बढ़ गया 25%। तो हमको बताना क्या है, इंक्रीजिंग प्राइस बतानी है और ओरिजिनल प्राइस बचानी है, क्या थी? अब देखिए यहां क्या करेंगे, पहले हम ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं। ओरिजिनल प्राइस बी रुपीज एक्स, अभी ओरिजिनल प्राइस क्या है? एक्स है। अब न्यू प्राइस जो आएगी वो क्या है? अब सोचो न्यू प्राइस क्या होगी, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज हो रहा है, लिखा हुआ है राइज, राइज मींस बढ़ना, तो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे अपॉन 100, और किस में इंक्रीज हो रहा है? एक्स में इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हुआ? 125 अपॉन 100 इंटू एक्स, कितना आ गया? 5/4x, ठीक है। अभी न्यू प्राइस क्या आ गई? 5/4। पुरानी प्राइस क्या थी? एक्स थी। अब देखो, अब समझना क्या है, अमाउंट उतना ही है। पहले अगर हम बोले कि 100 रुपीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम 120 रुपीज है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास 120 रुपए है। अब मेरे पास 120 रुपए है, अभी जो आलू की प्राइस है, पोटैटो की प्राइस है 10 रुपीज पर केजी है, कितने रुपीज पर केजी है? 10 रुपीज। तो अभी कितने किलो आ जाएगा? 12 केजी। अब यही प्राइस 12 रुपए हो गई, अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, 12 रुपए हो गई, 2 रुपए बढ़ गया, अब कितने केजी आ रहा है? अब आ रहा है 10 केजी। देखिए अमाउंट सेम है, प्राइस बढ़ गई, अब कितना कम हो गया? 2 किलो कम हो गया, हो गया ना। तो यहीं पे हमको यही कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है, यहां पे हमको प्राइस नहीं पता, हमने प्राइस को क्या माना है?
एक्स, प्राइस को क्या माना है एक्स। जब प्राइस कम थी क्वांटिटी ज्यादा थी, जब प्राइस बढ़ी क्वांटिटी कम हुई। समझ में आ रही बात, जब हम प्राइस बढ़ रही है किसी चीज की तो क्वांटिटी हमें कम मिलेगी। तो यहीं पे कुछ थोड़ा लॉजिक लगेगा अब आपका, इसको इरेज कर दें। अब देखिए ये क्वेश्चन का, हमको दोनों प्राइस मिल गई, पहले क्या थी प्राइस एक्स थी 240/x, क्लियर स्टूडेंट्स। अब दूसरे केस में प्राइस क्या हुई 240/5/4x हो गया, ठीक है कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर हुआ 1.5 केजी के, कितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है 1.5। अब इसका एलसीएम निकाल दो, देखो कॉमन क्या आ रहा है 240/1/x और ये 4 ऊपर गया 4/5x इज इक्वल्स टू, अब पॉइंट है तो पॉइंट हटाया हमने डिवाइड बाई 10, यहां से कैलकुलेट कर दिया एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा, हाँ अब बताओ एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा 5x, 240/5x-4x/5x इज इक्वल्स टू, अभी देखिए 3 की टेबल्स कट गया, सॉरी 5 की टेबल से 3/2, क्लियर। अब यहां पे आप एलसीएम ले लोगे 240 into, अब यहां पे x की वैल्यू नहीं होगी, यहां पे ये हमारा x नहीं होगा, यहां पे ऊपर ओनली 4, और कितना आ गया 1/5x और ये 3/2। अब यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, 3 से कैंसिल हुआ, कितना आया 80 आ गया, 80 को हमने 2 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 16 into 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 32, और x हमारा था क्या, x हमारा था ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी आ गई 32 रुपीज, और न्यू प्राइस क्या थी 5/4 into x की वैल्यू कितनी आई है 32, यहां पे काटा 8, 5 8 40 रुपीज। देखा क्वेश्चन कैसे हैं, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है मगर प्रैक्टिस चाहिए और लॉजिक। और इस क्वेश्चन में एक बार मत पढ़िए, दो बार पढ़िए, आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम में ही आंसर छुपा हुआ है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अ नंबर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय 20 एंड डिक्रीज बाय, एक नंबर है जिसमें हमने पहले एक नंबर मान लिया, लेट नंबर बी 100, अभी 100 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 20% into 100, अब कितना आ गया ये 120। यहां पे स्टेटमेंट क्या देंगे, नंबर इंक्रीज बाय 20%, अभी न्यू नंबर आ गया, अब यही नंबर फिर डिक्रीज हो रहा है कितना 20%, फिर अगेन डिक्रीज बाय 20%, तो कितना आ जाएगा 100 डिक्रीज हो रहा है तो -/100, और किसमें डिक्रीज हो रहा है 120 में, 00 कैंसिल, सो 100 माइनस 20 80/100 into 12, 00 फिर अगेन कैंसिल, अब 8 into 12 इज इक्वल्स टू 96, तो नंबर क्या आ गया 96। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। एक ए है एक बी है, ए को कितना मार्क्स मिला, देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूं, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ए को मिला अभी 12, ठीक है, और बी को कितना मिला, बी को 10 मिला। इफ द सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल, ये फर्स्ट टर्मिनल की बात हो रही है, फर्स्ट टर्मिनल में ए को मिला 12, बी को मिला 10, सेकेंड टर्मिनल में क्या हुआ, सेकेंड टर्मिनल में ए को कितना मिला 14 और बी को कितना मिला 12, तो ये बताना है किसने इंप्रूव किया। तो ए ने भी इंप्रूव किया, बी ने भी इंप्रूव किया, किसने ज्यादा इंप्रूव किया, ए ने कितना इंप्रूव किया, देखिए ए कितना बड़ा 2 बड़ा, बी भी कितना बड़ा, बी भी 2 बड़ा, है ना, दोनों इंप्रूव कर रहे हैं, मगर कौन ज्यादा इंप्रूव कर रहा है ये पूछा है। अब 2 बड़ा किसमें बड़ा 12 में, ये 2 बड़ा किसमें बड़ा 10 में, अब यहां पे कैंसिल कर देते हैं 6 डिवाइड बाय 100, हाउ मेनी टाइम, पहले 3 से गया और ये 50 हो गया, तो 16.666% आएगा। यहां पे 00 कट गया तो ये कितना आ गया 20, तो कौन ज्यादा है 16 ज्यादा है 20, 20 ज्यादा है, 20 ने ज्यादा इंप्रूव किया, ए से ज्यादा इंप्रूव
बी ने किया, बी ने 20% इंप्रूव किया और ए ने 16.6%। इसको आप फिगर बना के भी कर सकते हैं, टेबल बना के, बहुत इजी है। अगला, 30,000 स्टूडेंट्स हैं, 40% गर्ल्स एंड 10 एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। मतलब एक पार्टिसिपेट कॉन्टेस्ट हुआ है यहां पे, कॉन्टेस्ट में हमारे बॉयज जो है और गर्ल्स हैं। अब बॉयज कितने हैं हमारे, 40 बॉयज, गर्ल्स आर 40%, तो 40% अपॉन 100 इंटू टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हमारे कितने गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं 40%, तो गर्ल्स हमको पता चल गई, तो 0, 0, 0, 12, तो 12,000 गर्ल्स हो गई। बॉयज कितने हुए, 60% बॉयज होंगे, या तो हम माइनस भी कर सकते थे डायरेक्ट, तो 18,000 बॉयज हो गए, ठीक है। और इसमें से 10% बॉयज और 12% गर्ल्स आर वन द कॉन्टेस्ट विथ प्राइज, और इसमें से कितने जीते हैं, चलिए तो हमारे कॉन्टेस्ट में इतने गर्ल्स और बॉयज का डेटा पता चल गया। अब इसमें से 10% बॉयज विनिंग है, तो नंबर ऑफ बॉयज विन द कॉन्टेस्ट, नंबर ऑफ बॉयज विन द कॉन्टेस्ट इज 10 अपॉन 100, और टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं, 18,000, सो 0000 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1800। इसी तरह हम गर्ल्स का निकालेंगे, गर्ल्स कितने हैं, 12, तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट यहां पे गर्ल्स कर देना, तो 12 अपॉन 100 इंटू कितने गर्ल्स हैं, 12,000, 00 कैंसिल, तो कितने गर्ल्स आ गए, 1440, इतने गर्ल्स हमारे विनिंग है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करो, 0 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विन कॉन्टेस्ट कितने हो गए, 0, 0, 0, 4, 12, 1 कैरी, इतने स्टूडेंट्स हैं जो विनिंग है, और कितने में से, कितने में से, 30,000 में से, ठीक है, ये हमने काट दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, इसको हमने 0, 0 काटा, ये हो गया 1, 2 कैरी हुआ 30, 33, 2 कैरी हुआ 24, ये 18 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग ये जाएगा, इसको डिवाइड करके आप देख सकते हो 10.8 समथिंग, ठीक है, ये आंसर होगा 10.8 समथिंग। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पर आप खुद से भी कोशिश करिए, ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, यहाँ पे सुनील अर्न 10% मोर द सैलेश एंड सैलेश अर्न 20% मोर देन द स्वामी एंड स्वामी अर्न 3,200 लेस देन द सुनील। तो इसका मैं हिंट कर दे रहा हूँ, देखिए सुनील कितना है स्वामी से, 3,200 लेस है, तो स्वामी की इनकम कितनी हो गई एक्स, सुनील की इनकम कितनी हो गई, और यहां पे सैलेश, इसका हम हिंट दे दे रहे हैं, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। अब हमको यहां पे पता है सैलेश कितना ज्यादा है स्वामी से, 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है किससे, स्वामी से, तो कितना हो गया 120 अपॉन 100 एंड 00 कैंसिल, 6/5x, ये आ गई सैलेश की इनकम। अब सुनील कितना ज्यादा है सैलेश से, 10%, और सैलेश की इनकम कितनी है, 6/5x, तो कितना आया 110 अपॉन 100 इंटू 6/5x। अब यहां पे 00 कट गया, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहां पे 5 times 3 times, तो कितना आया 33 अपॉन 25x, तो हमने तीनों की इनकम निकाल ली, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, सुनील और स्वामी की इनकम में दोनों में डिफरेंस कितने का है, सुनील की इनकम है 3,325x और स्वामी की x और कितना है 3,200। अब यहां पे x की वैल्यू निकाल देना, पुट कर देना, और फाइनल आंसर आ जाएगा तीनों का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, कंप्लीट होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको खुद से कैलकुलेट करना, आंसर निकाला, पूरा आंसर आ चुका है, बस x की वैल्यू निकाल के तीनों में पुट कर देना, ठीक है।
आई होप आप ट्राई करोगे। इसका आंसर भी बता देता हूँ, 8 इसका आ जाएगा 38x अपॉन 25, 32 ये कट गया 4 से, 400 तो x इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, इसका आंसर आएगा 10,000, x की वैल्यू 10,000 आ गई, आप पुट करके निकाल सकते हो। तो आज का सेशन इतना ही, आज हमने कितने डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम सीखे परसेंटेज पे, जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकते हैं, हम लोग अपने इसको लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, मार्क्स निकाल सकते हैं, घर का बिल निकाल सकते हैं परसेंटेज में, जो हमारे डेली लाइफ में एक्सपेंसेस है सब निकाल सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कैसे हम प्रॉफिट निकालें, कैसे लॉस निकालें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा ये नंबर है 7380515253, और हमारी साइट है vision.nois.co.in। हैव अ नाइस डे, गुड डे, जय हिंद।